राहुल गांधी मिशन झारखंड पर रहे और इस दौरान राहुल गांधी पुराने रंग में दिखे, हाथों में संविधान और निशाने पर केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने झारखंड से देश में आदिवासी समाज की हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दोहराया कि क्यों जाति गणना जरूरी है। मिशन झारखंड पर राहुल गांधी, झारखंड में राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैली, संविधान से लेकर जाति गणना पर जोर। झारखंड के स्थापना दिवस के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिशन झारखंड पर रहे। सुबह से ही राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैली में जुटे रहे। बोकारो के बेरमो विधानसभा इलाके में राहुल गांधी जमकर बरसे। एक बार फिर राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने गोड्डा के महगामा विधानसभा इलाके में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने यहां आदिवासियों की भागीदारी का मुद्दा उठाया, जातीय गणना कराने की बात की। 90 लोगों में से एक आदिवासी, आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। मतलब अगर आप दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सबको जोड़ लो तो 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसा। इसलिए मैंने कहा है कि जाति जनगणना दिल्ली में और झारखंड में होगा। इसके अंदर क्या लिखा है? राहुल गांधी संविधान और जातीय गणना की बात पूरे देश में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं झारखंड में राहुल गांधी उसी अंदाज में केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। संविधान, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संविधान आपकी आत्मा है, देश की आत्मा है।